लालू यादव को वोट दिया है। लालू यादव दलितों के लिए कौन किया है नेता? कोई लालू क्या है? वोट बीजेपी के देंगे। बीजेपी को देंगे? हाँ। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं? चिराग पासवान के पास है वो बैंक बैलेंस है, वो बैंक बैलेंस है चिराग पासवान। दलितों के लिए कौन किया है? ये अभी जो मोदी जी कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं, वही तो किया है चिराग पासवान, किंग ऑफ बिहार। अभी जो है की जातिवाद नहीं देखना है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बीजेपी की तरफ से संत शिरोमणि जयंती का आयोजन किया गया था। और देखिए यहाँ पर संत रविदास की जयंती में तमाम ये बिहार के कोने कोने से लोग पहुँचे हुए थे और इनसे जानेंगे कि आए हुए तो हैं लेकिन क्या कह के बुलाया गया है। कहाँ से आए हैं आप? बांसडी से। कराए लसुना बांसडी से। क्या करने आई थी आप? भाई अथी मीटिंग में आए आप? मीटिंग में आई थी। अच्छा कुछ बोला गया है यहाँ पर आने के लिए? हमारा उतना अच्छा सुनिए, चुनाव आ रहा है, वोट किसको दीजिएगा? अब वोट देवे घरे ना होता नहीं दीजिएगा? अब देवे का हुआ। किसको वोट दीजिएगा? किसको चाचा किसको वोट दीजिएगा? यहाँ पर आए हुए क्या कह के नरेंद्र मोदी के? नरेंद्र मोदी के? नरेंद्र मोदी को वोट दीजिएगा? क्या क्या बोलते हैं कि हम जनता के लिए काम किए? कुछ काम किए आप लोग लगता है? हमने कुछ काम दिया है? नहीं काम दिया ना। बोलते हैं कि सब कुछ तो दी, बिजली दिए हैं, घर दिए हैं, थे मिल रही है, शौचालय नहीं कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है आपको? भी नहीं मिला है? किसी के नहीं मिला है? नहीं मिला। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए? ऐसे आए हैं हम लोग घूमने के लिए, ऐसे ही सब आया तो आइए। किसके साथ आए? कौन मिला? नाम जानते हैं? नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं, ऐसे ही आ गए। वोट किसको दीजिएगा? वोट जिसको समझ के ना देंगे। समझ के ना देंगे? हाँ तो समझते नहीं, इतने दिन से हो गया। अब चुनाव आने वाला, एक महीने चुनाव आएगा तो समय पर ना देंगे? समय पर पढ़ने के लिए। कौन से नेता अच्छे लगते हैं? अब नेता हमको सामने आएगा था ना? कोई सामने नहीं आता। आप यहाँ पर है, आपके सामने इतने नेता लोग बैठे हुए थे, आपके सामने इतना नेता लोग बैठे हुए थे। जैसा देखेंगे सोचेंगे समझेंगे तब वोट पड़ेगा, कैसे वोट पड़ जाएगा। ये लोग हैं, ये पहुँचे हुए लेकिन उनको पता नहीं है कि यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आएगा तो देखेंगे। भाजपा के कार्यक्रम में आए हैं ये लोग लेकिन भाजपा के खिलाफ ही बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि किस लिए बुलाया गया है लेकिन हम बस घूमने के लिए चले आए। हाँ, आप लोग हम लोग तो विक्रम से आए हैं। विक्रम वोट बीजेपी के देंगे। बीजेपी को देंगे? हाँ। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। हाँ बिहार में मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री अभी तो फैसला करना मुश्किल है, ये सब सवाल आप पूछ रही हैं कि अच्छा हम नहीं चाहते हैं ना बिहार के नागरिक, तो कौन बनेगा आपका? एक होंगे ना कि हाँ ये इंसान बने, हमारे नेता बने। कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं? चिराग पासवान जी आए हैं बीजेपी के कार्यकाल में। हाँ आए हैं तो उसी को मानता हूँ। तो उसे क्या गजब बात है, पार्टी तो वही है। चिराग अलग है, चिराग अलग है बीजेपी से। एनडीए में है? एनडीए में है, साथ है ना, साथ है। हाँ अच्छा भाजपा कह रही है कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सबका वोट भाजपा के पास है, इस बात से आप अग्री करते हैं? नहीं इस बात से सहमत नहीं अग्री करते हैं। नहीं नहीं है बीजेपी के पास अति पिछड़ा का वोट है? हाँ, कम परसेंटेज अनुसूचित जाति का वोट नहीं है। हाँ कम है, कम है, कम है, 20-25% है। किसके पास ज्यादा है? किसके पास ज्यादा है? चिराग पासवान के पास है, वो बैंक बैलेंस है, वो बैंक बैलेंस है चिराग पासवान। जोरन है, जोरन दूध है उसके पास, जोरन है चिराग पासवान। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से? हम लोग सीतामढ़ी से हैं, सीतामढ़ी जिला। अच्छा लालू यादव भी कहते हैं कि हमारे पास सब जाति का वोट बैंक है, सब हम किए हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए हम किए हैं। दलितों के लिए कौन किया है? ये अभी जो मोदी जी कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं, वही तो किया है। लालू यादव कुछ नहीं किए, क्या किया आप ही बताइए? वो तो कहते हैं हम किए, आप बताइए। तो आप बता दीजिए क्या किया है ना, आप बताइए। हमें तो नहीं पता, आप बताइए। कहते हैं कि हम आवाज बने दलितों का, वंचितों का, शोषितों। अगर किए रहते, अगर किए रहते तो आज इतना पब्लिक एक साथ नहीं खड़ा होता। हाँ अगर किए होते तो याद। तो आप लोग किसको नेता मानते हैं? चिराग पासवान, किंग ऑफ बिहार, सीतामढ़ी।
देखिए ये तमाम लोग हैं जो बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। तमाम लोग जो है दलित समुदाय से आते हैं क्योंकि आज संत शिरोमणि रविदास की जयंती का आयोजन किया गया था और उसी में शिरकत करने ये तमाम लोग पहुंचे हुए थे। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं, लेकिन जिनको पता है वो कह रहे हैं कि हमारा वोट चिराग पासवान को जाएगा क्योंकि चिराग पासवान हमारे नेता हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किनको अपना नेता मानते हैं। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से आए हैं अभी। अच्छा, इतने सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, अलग अलग जाति के समुदाय के लोग यहाँ पर जी पहुंचे जी हैं। लेकिन सब जितनी भी पार्टियाँ वो कह रही है कि हमारे पास पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का वोट है। आपको क्या लगता है किसके पास हो सकता है? बाकी अपने अपने अनुभव है सबका। आपके आपको क्या लगता है? हमको हम लोग तो बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ है हम लोग बीजेपी लालू जी कुछ नहीं किए दलितों के लिए। किए हैं अभी अभी जो चल रहा है उसी को किए हैं लालू जी। हाँ लालू जी तो बहुत किए हैं शुरू में, ऐसी बात नहीं कि नहीं किए। अच्छा, दलित समाज अपना नेता किसको मानेगा? अभी किसको? अभी तो जाना कि चला मार्केट चला है, जो मार्केट में जो आ जाए। मार्केट में कौन आया है? कौन आया है अभी तो बीजेपी का है नाम। कौन है बीजेपी के? कौन से नेता है दलित समाज से जो आप लोग को नेता लगते हैं? कौन से नेता? वो तो नहीं है, फिर भी जैसे कि आने वाला समय में मांझी जी नहीं है। मांझी जी नहीं, वो तो शुरू में वही है। हाँ। वो तो है ही है। हाँ, हाँ? वोट किसको दीजिएगा? वोट हाँ अभी अभी जो है कि जातिवाद नहीं देखना है। जातिवाद देखना नहीं है, सही बात बोले आप, एकदम सही बात बोले। हाँ, किसको वोट दीजिएगा? वोट किसको देंगे अभी आने वाला समय में जो है कि बताएंगे। अभी क्या जो इतना ये पटना में क्या बोले हम इतना। अच्छा सर, तो काम सही चल रहा है? काम सही चल रहा है? काम सही चल रहा है? काम क्या चलेगा? काम तो वही जैसे कि कहा कि 10 लाख को जो है कि नौकरी दे देंगे, आरक्षण देंगे, आरक्षण भी चला गया, 10 लाख को नौकरी भी कहा वो भी नहीं मिला। हाँ तब तो जैसे कि फिर करा के मिलेगा मिलेगा। लालू यादव बोलते हैं कि हम दलितों के लिए बहुत कुछ किए। ए दलितों का अभी जो जिसको सता है उसी को ना होगा? नहीं होगा। ये तमाम लोग हैं जो पहुंचे हुए थे बीजेपी के कार्यक्रम में, हमने बातचीत की, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है हम ये भी जानने का। लालू यादव को वोट दिया है? लालू यादव दलितों के लिए कौन किया है नेता? कोई लालू किया है? लालू किया है? हाँ, बीजेपी कहती है कि हम नहीं, उसको नहीं नहीं मिलेगा। उसका ही है लालू यादव बहुत बहुत कुछ किए हैं। हाँ। भाजपा वाले कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए नहीं। आरक्षण खा गया लालू यादव? क्या कर दिया वो? तो आरक्षण दिया बहुत बहुत किया, गरीब का वही उठाया। हाँ, आदमी हमारा चला गया, वो चला गया। अच्छा, कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी जी। देखिए ये तमाम लोग हैं बीजेपी के कार्यक्रम में आए हुए, लेकिन कह रहे हैं कि लालू यादव को वोट मिलेगा, चिराग पासवान को मिलेगा। कोई भी शख्स जो है ऐसा नहीं था जो खुल करके बोले कि हम बीजेपी को वोट देंगे। कह रहे हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, ये सब वोट जो है वो लालू यादव के साथ है, चिराग पासवान के साथ है। यही सब बात करते हुए तमाम जो लोग हैं, हमने बातचीत की जितने लोगों से, उनका कहना यही था। फिलहाल ये सब सारे लोग जो है वो बीजेपी के कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे और बीजेपी के कार्यक्रम में पहुँचने के बाद सम्राट चौधरी का भाषण सुन करके बाहर निकले थे और हमने बातचीत की तमाम मुद्दों पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा और तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।